वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएल TG2 का एग्जाम अब बहुत ही करीब है, ज्यादा दिन नहीं बाकी हैं, बस एक ही दो दिन बाकी रह गए हैं। तो जिन लोगों का भी एग्जाम है वो अच्छे से पढ़ाई करें और वो हमारी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम 5 ऐसी गलतियां बताएंगे स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में जाके करते हैं, और इन गलतियों की वजह से उनका जो आपका सिलेक्शन है वो आपका नहीं हो पाता। तो जानिए कि ये कौन सी हैं ऐसी 5 गलतियां जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचकर नहीं करनी है, और अगर आप इन 5 गलतियों को नहीं करेंगे तो आपके सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है, और इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसे अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, कैसे जल्दी से जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक देखिए आपको ऊपर में कहीं पर आपको दिख रहा होगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि साल भर बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनका एग्जाम अच्छा नहीं होता। तो ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि जो आज का जो कॉम्पिटिशन वाला दौर है इसमें जो आपका 3 घंटा है एग्जामिनेशन हॉल का, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर उन 3 घंटों में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो भले ही आप साल भर अच्छे से पढ़े हो तो आपकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर आप उन 3 घंटों में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें हैं तभी आप अच्छे एक स्टूडेंट माने जाएंगे जो कि पढ़ने वाला स्टूडेंट है। तो जानने के लिए देखिए कि कैसे आप इन गलतियों को कर रोक सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत करा था, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा तो मुझे कुछ याद नहीं आया, सवाल पढ़ते ही साथ मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया और मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्वेश्चंस आ गए और मैं कर नहीं पाया, जबकि वो टॉपिक्स मैंने पढ़े हुए थे। तो इसकी सबसे बड़े ये वजह है कि आप लोगों के अंदर जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच के इनका कहते हैं कि माइंड ब्लैंक हो जाता है क्वेश्चन देखते ही साथ, तो सबसे बड़ी उसकी वजह ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, आप पहले से बहुत डरे हुए रहेंगे कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, साल भर मैंने मेहनत करी है, क्या साल भर की मेहनत बेकार चली जाएगी। तो अगर आप अच्छे से साल भर पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डर संभव है, हर किसी के अंदर डर होता है, लेकिन उस डर को आपको एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं लेके जाना है। उस डर को आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही छोड़िए, एग्जामिनेशन में आप ये सोच के जाइए कि जो मैंने साल भर पढ़ा है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं पेपर में करूंगा और पेपर मेरा जरूर अच्छा होगा। अगर आप इस सोच के साथ जाएंगे तो आपका पेपर 100% अच्छा होगा। तो पहला टिप जो आपको जो गलती नहीं करनी है वो ये है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होने देनी है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, आपको ये सोचना है कि जो कुछ मैंने साल भर में पढ़ा है उसको मैं अच्छे से अच्छी तरीके से मैं एग्जाम में करूंगा और कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो मुझसे ना आए। ऐसा कोई सवाल नहीं होता जो आपके बुक से बाहर आए, तो ऐसा आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप बहुत परेशान हो जाइए। दूसरी गलती जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स सवाल पढ़ने में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं और रॉन्ग क्वेश्चन चूज कर लेते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग राइट क्वेश्चन चूज करिए और रॉन्ग क्वेश्चन से यहाँ पे मेरा जो मतलब है, जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या ऐसे बहुत से ट्रिकी न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि हर पेपर में 1 या 2 डाले जाते हैं जिनका आंसर चारों ऑप्शन में से मैच नहीं होता, तो अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका आंसर नहीं आएगा और आप अगर उस क्वेश्चन को फिर भी सॉल्व कर देंगे तो बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो ये जानबूझ के 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में होता है, तो आप लोग ऐसे जो क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड हो या फिर बहुत से आपके ऐसे क्वेश्चन हो जो कि कॉन्सेप्चुअल हो लेकिन आपके समझ में ना आ रहा हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत आप डॉच करिए और ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से ही
बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लास्ट में टाइम कम पड़ जाता है और आते हुए क्वेश्चंस वो नहीं कर पाते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि ये क्वेश्चन मैं कर लेता तो मेरे इतने नंबर बढ़ जाते और मैं सेलेक्ट हो जाता। तो ये जो आपकी सेकेंड मिस्टेक है स्टूडेंट्स की वो है कि आप जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो राइट करिए, राइट वे ऑफ सिलेक्शन करिए। क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन जिसमें आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो आप उसको डॉस कर जाइए, उसमें आप ज्यादा टाइम मत लीजिए। जो आपकी थर्ड मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में वो ये है कि वो किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। मान लीजिए कि आपका 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके 180 मिनट में और उसमें से आपका 150 टेक्निकल है, तो आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबके लिए आपको एक टाइम डिवाइड कर देना है कि मुझे टेक्निकल इतने मिनट में करना है और नॉन टेक्निकल इतने मिनट में करना है। तो आपको उतने मिनट से ज्यादा टेक्निकल को नहीं देना है। जब आप टाइम डिवाइड कर देंगे तो आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि एक क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम देना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, आप पेपर को टाइम के स्लॉट्स में डिवाइड करिए, पर क्वेश्चन आपको कितने टाइम देना है, 1 मिनट देना है कि 40 सेकंड देना है कि 50 सेकंड देना है, आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा अच्छा आता है उसमें आप कितना कम टाइम देंगे, या आपको अपने अकॉर्डिंग उसको आपको मैनेज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, जो कि मोस्टली स्टूडेंट नहीं करते हैं। ये है आपकी थर्ड मिस्टेक, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट की है सक्सेस के लिए। तो आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से आप मैनेज करिए एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइए और आपका कोई आता हुआ क्वेश्चन आपका ना छूटे। जो फोर्थ आपकी जो मिस्टेक है, जो चौथी मिस्टेक जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, वो ये है कि वो सोचते हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है और जो मैं कर पा रहा हूँ वो बहुत कम कर पा रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर 200 मार्क्स का क्वेश्चन है और किसी एक स्टूडेंट है जो आप एग्जाम दे रहा है उसमें, उसको अगर 200 में से ये दिख रहा है कि मैं 120 या 130 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो वो ये सोचता है कि यार इतने क्वेश्चन में तो मेरा नहीं होगा, 130 क्वेश्चन में तो सिलेक्शन होएगा ही नहीं, 130 नंबर ला के भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करता है कि 20 से 25 क्वेश्चन जो उसको नहीं भी आए हुए होते हैं वो उसको गैस करता है और ओवरऑल 150 या 160 या एक बहुत से स्टूडेंट तो 170 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आता रहेगा, तो आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और आजकल तो हर एग्जाम में -1/4 और -1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, तो जिसकी वजह से जो आपका, अगर आप क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करते जो आपका स्कोर होता है 120 130, तो उसके अलावा जो आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आप ये सोचते हैं कि ज्यादा करने के चक्कर में आप जब ज्यादा गलतियां करते हैं, तो आपका स्कोर जो 120 130 आना था वो आपका गिर करके 105 और 110 तक ही रह जाता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। जितने क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हैं आप 100% एक्यूरेसी के साथ करिए। आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, आप ये सोचिए कितने क्वेश्चन हमें 100% आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है आपकी फोर्थ मिस्टेक जो कि मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। जो पांचवी और लास्ट मिस्टेक है वो ये है कि लोग अपने अगल बगल वालों से, अपने जो आस पास जो बैठे स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भरोसा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या इस क्वेश्चन का आंसर क्या नहीं होगा, क्या ये वाला क्वेश्चन तुम्हें आता है, इसका तुमने क्या लगाया है। तो एग्जामिनेशन हॉल में याद रखिए कि आप भी किसी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आप भी कॉम्पीट कर रहे हैं और जो आपके बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट है वो भी उसी जॉब के लिए, उसी पोस्ट के लिए कॉम्पीट कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि कोई आपका यहाँ बहुत क्लोज फ्रेंड बैठा हुआ है जो आपको हर बार सही आंसर ही बताएगा। तो इसलिए जो आपके आसपास वाले हैं उनके बताए हुए आंसर्स पे आप यकीन मत करिए, आप अपना पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आसपास के स्टूडेंट से पूछने के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और मोस्टली जो आपके जो आसपास वाले हैं उनका जो आंसर होता है वो भी गलत ही निकलता है। इसलिए आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आसपास वालों से ज्यादा बातचीत करने के में टाइम वेस्ट मत करिए। अपना क्वेश्चन जितना आपको आता है उतना 100% एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करिए। तो ये रही आपकी 5 गलतियां जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं। अगर आप इन 5 गलतियों को आप सुधार लेते हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली आपका अच्छा होना है और एग्जाम में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आएंगे।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी एग्जामिनेशन हॉल में ये 5 गलतियां ना करें और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करें। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल विजन।